अभी हम तुरंत अंदर जाएंगे। ये अनबिलीवेबल काम है। पूरी रात बनता होगा ना? चार घंटे बन जाता। केस है जो मैंने तैयार कर लिया है, ये पहनने के कपड़े हैं, लैपटॉप बैग है, और अभी मुझे लैपटॉप में थोड़ा सा काम करना है तो वो लैपटॉप में काम करने के बाद रख लो। शाम के 6 बस बजने वाले हैं और जाने से पहले अभी मेरी एक आखिरी क्लास है वो कर लूं। इतना बुरा हाल है कि हर आधे घंटे में लाइट गोल हो रही है। अभी मुझे क्लास करनी है और फिर उसके बाद लाइट गोल हो गई। बहुत से चैलेंजेस हैं दुनिया में, जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस हैं। हम जा रहे बेटा, आ रहे मम्मी, मुझे हम जा रहे हैं ना, मुझे मैं मिस यू करूंगा तुमको, मैं मिस यू करूंगा ना। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा पच्चा, मेरा बच्चा पच्चा, मेरा बच्चा पच्चा, मुनु 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 मुनु। अजमेर घुमाने से पहले मैं आपको बता दूं अजमेर जाने का प्लान हमारा कैसे बना। अभी जो ये रोटियां बनती आप देख रहे हैं ना, ये जाने वाली थी देहरादून। हाँ, मेरा पूरा प्लान हो गया था कि अभी आज शाम की 9 बजे की बस से मैं निकलूंगी बनारस और बनारस से फिर निकलूंगी देहरादून। लेकिन पता नहीं किस तरीके से क्या करिश्मा हुआ कि आज बसें आई ही नहीं और कल मैं बनारस से जो ट्रेन पकड़ने वाली हूँ वो ट्रेन भी कंफर्म नहीं हुई। तो फाइनली जब हम सुबह सुबह उठे, पापा, मैं, मम्मी, भैया सब आराम से बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो हमने कहा कि चलो कल की टिकट कंफर्म नहीं हो पाई, बसें आ नहीं पाई, तो क्यों नहीं मैं माँ और पापा को अजमेर शरीफ लेके जाऊँ। पापा की ऐसी मन्नत थी जब घर में शादी अच्छी तरीके से निपट जाएंगी तो हम अजमेर ज़रूर जाएंगे। तो बस हमने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और हम निकल दिए अजमेर की तरफ। आगे की कहानी आपको सारी की सारी पूरी वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। और जब अजमेर जाने का प्लान बन गया हमारा तो मैंने भी माँ के हाथों में लगा दी मेहंदी। अली जल्दी पापा को ले क्या, आज बस ट्रेन छूटते छूटते ही बची है, चल आ जा। नींद तो नहीं लग रही अम्मी? रात को नहीं है। अरे कहाँ कहाँ एक घंटा लेट ही। पांच बजे आने वाली थी और बस अभी अनाउंसमेंट हो गया कि ट्रेन आने वाली है हमारी। अभी सनराइज नहीं हुआ है, सर्दी जो है मैनेजेबल है, इतनी ज्यादा नहीं है। मैंने शॉल ऐसी लपेटी हुई है जैसे कि बर्फ पड़ रही हो, लेकिन सच बताओ सर में ना बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, सर में एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो पहले तो मैं सुना करती थी कि जब तक आपका बुलावा नहीं आता तब तक आप नहीं जा सकते, और आज वो बात हकीकत भी सामने आ गई कि बुलावा आया तो था हम तीनों का, इसीलिए मेरी ट्रेन बनारस वाली कंफर्म हुई नहीं, बसें उस दिन आई नहीं, और दूसरे दिन ही हमारा प्लान अजमेर जाने का बन गया। पिलो भी नहीं है। आप किसी कौन से है? ये तीनों हैं। जैसे ही हम तीनों ट्रेन में चढ़े हमने अपनी अपनी सीट पर अपना सामान रखा और बिस्तर लगाया और तीनों ऐसी गजब की नींद लिए कि हम सुबह 11 बजे सो के उठे। चप्पल ये ट्रेन सिंगरौली से अजमेर जाती है डायरेक्टली, और टाइम जो लगता है वो लगता है 24 घंटे का। तो आज का पूरा दिन जो है हम ट्रेन में रहने वाले हैं और कल सुबह 4 बजे हम पहुंचेंगे अजमेर। तो मम्मी अपने काम में लग गई, पापा सो रहे हैं और मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपनी। रात के 9 बज गए हैं और हम कोटा स्टेशन पहुँच गए हैं। यहाँ से अभी
ओवरनाइट जर्नी और है हमारी, और सुबह के 5 बजे हम पहुंचेंगे अजमेर। भैया एक पानी की बोतल देना, पानी की बोतल, नीर। हाँ हाँ जी, एक एक कितना देना है? 15। ट्रेन का सफर यार सबसे बेहतरीन होता है, थोड़ा सा उतरो घूमो फिरो, मतलब पूरा दिन ऐसे बीत गया पता नहीं चला। और आज मैं इतना ज्यादा सोई हूँ ना, दिन भर सोई हूँ, खाया है सोई हूँ, और उसके अलावा कुछ नहीं किया। 24 आवर्स की जर्नी जो है ऐसे बीत गई, कुछ पता नहीं चल रहा है। पापा बाहर है, खाली होगी ना ट्रेन? एकदम खाली हो गई यार, चाय की ना चुस्कियां लेने का मन हो रहा है। शायद यहाँ पे चाय मिल जाए। अंकल कुछ जुगाड़ बनाएंगे अब। धन्यवाद। और यार चाय मिल गई। तो ट्रेन यहाँ पे 40 मिनट रुकने वाली है। मेरा पर्स देखो, सेफ्टी के लिए सामने की तरफ लगा के रखा है। ले पापा कहाँ गए? चल चल रुक जा, गेट खोल रहा है। हमने खाने पीने का सामान भरपूर रखा था, कोटा में चाय पिए, रात में डिनर किया और तीनों सो गए। और मेरे माँ पापा बड़े एक्साइटेड थे, सबसे ज़्यादा तो मेरे फादर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और अब हम फाइनली अजमेर पहुँच चुके हैं। चल तो अभी हम जिस ट्रेन से आए थे उसका टाइम 4:55 का था, लेकिन अभी 4:42 हो रहे हैं और हम ट्रेन के बाहर हैं। यानी आज की जो ये ट्रेन है वो आधे घंटे पहले हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया। रेलवे स्टेशन इतना बड़ा तो नहीं है, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर आपको ऑटो और टैक्सी आराम से मिल जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग पैदल चलना भी पसंद करते हैं। चूँकि हम पहली बार जा रहे थे, रास्ता ना भटक जाए, इसीलिए हमने एक ऑटो जो है बुक कर लिया और फिर हम निकल गए दरगाह की तरफ। तो मेरे पीछे ही अभी दरगाह, अभी हम पहुँचे, लेकिन अभी फ्रेश वगैरह होंगे फिर उसके बाद दरगाह जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है जब आप सुबह सुबह पहुँचते हैं ना तो आपको सड़कें गलियाँ सब बहुत खाली मिलती हैं। तो सबसे पहला काम जब आप रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं तो वहां से आपको भरपूर ऑटो अवेलेबल होते हैं। तो हमने 50 रुपीज़ दिया, हम 3 लोग थे, और डायरेक्ट ऑटो ने हमें दरगाह के पास लाके छोड़ दिया। एंड अब आई एम गोइंग टू सर्च फॉर द गुड होटल, जो कि यहाँ पे बहुत सारे हैं। देखो तो इसी पूरी की पूरी लाइन में होटल है और ये इधर दरगाह है। अभी भीड़ नहीं है ना, तो इसकी वजह से कितना बेहतरीन दिख रहा है गेट। अभी हम तुरंत अंदर जाएंगे तो इससे पहले कि भीड़ बढ़ जाए। सुबह सुबह यहाँ पे ये आलम है, अभी इतनी ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है, देखो गलियाँ पूरी खाली है। तो अजमेर शरीफ जो दरगाह है ना वो रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऑटो से जब आप आते हैं तो ऑटो वाला आपको 20 रुपये पर सवारी के हिसाब से चार्ज करेगा, डिपेंड्स कि आपकी बार्गेनिंग स्किल कितनी अच्छी है। हम 3 लोग थे तो हमने 50 रुपये दिया और हमें यहाँ पे छोड़ दिया। तो अभी सुबह सुबह की नमाज अदा की है सभी ने, फजर की नमाज अदा की है और सभी बाहर आ रहे हैं, और यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहला काम था आराम करना, और आराम करने के लिए एक अच्छा होटल बहुत ज़रूरी है। दरगाह के आसपास आपको बहुत किफ़ायती दामों में लगभग 200, 250, 500 इस तरीके के होटल मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर साफ़ सफाई थोड़ा सा इशू होता है। इसीलिए मैंने एक लगभग 8 से 10 होटल देखे, और उसके बाद फिर फाइनली एक होटल हमने लिया जो लगभग 1500 का था,
साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी थी और आने जाने के लिए लिफ्ट भी था, तो मेरे मम्मी पापा को और लगेज लाने ले जाने में बहुत आसानी होगी। तो हमने क्या किया, तुरंत हमने अपना लगेज जो है अपने होटल में शिफ्ट किया और हम बहुत अच्छी नींद लिए। पहले पापा आ गए थे और उसके बाद फिर हम होटल में गए, अच्छी तरीके से नींद ली और फिर उसके बाद फ्रेश हो गए, फ्रेश होके तैयार हो गए ताकि हम सभी जो हैं सुबह सुबह दरगाह जाएं। और जब होटल की छत पे आई तो उसके बाद मैं जब शहर का नज़ारा देख रही थी चारों ओर होटल की छत से, तो मुझे से रहा नहीं गया और मैं वो व्यू अब आपको दिखलाऊंगी, जो कि आप देखकर खुद डिसाइड करना कैसा व्यू है। चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में शहर है, देखिए 360 डिग्री व्यू दिखला रही हूँ आपको। और शहर भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा। और वो उधर पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, पहाड़ी के अलावा अब इधर जो आप नज़ारा देखेंगे ना, ये देखिए ये पूरी की पूरी पहाड़ी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और एकदम फ्रेश फ्रेश धूप अभी लग रही है उधर पीछे। तो अभी हमने जो ये होटल किया है ये दरगाह से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर है और अभी हम जाएंगे दरगाह, तैयार हो गए हैं। ये गली है दरगाह वाली, यहाँ पे नीचे आपको लोग दिख रहे हैं, फिफ्थ फ्लोर पे हैं अभी हम। और यहाँ से अभी फिर उधर दरगाह के जाने का रास्ता है और आप थोड़ा सा जैसे ही नज़र उठाएंगे तो आपको चारों तरफ से ये पहाड़ दिख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो आज का जो हमारा प्लान है कि हम अभी दरगाह जाएंगे, फिर उसके बाद ढाई दिन का झोपड़ा है, अना सागर है, तारागढ़ है, ये जगह घूमेंगे और अगर वक्त मिला तो हम पुष्कर भी चले जाएंगे ताकि हमारे पास एक दिन का और वक्त बच जाए। सो लेट्स, पापा तैयार हो गए हैं, अब हम तीनों तैयार होके जा रहे हैं दरगाह की तरफ। माने कुछ अगरबत्ती फूल और चादर ले ली है जो कि दरगाह में चढ़ाएंगे और मैं माँ और पापा को फॉलो करूँगी पीछे जाके। देखिए मैं आई तो यहाँ पे हूँ और पूरी की पूरी आस्था के साथ आई हूँ, लेकिन मेरा आप सभी से ये कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि जब भी आप किसी रिलीजियस प्लेस में जाएँ, ना चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आस्था के साथ जाएँ और पूरी आस्था के साथ जाएँ। हाँ, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपके जो भी वैल्यूबल्स हैं, जैसे फ़ोन है, आपका पर्स है, आपके लाइक कुछ भी कीमती ज्वेलरीज हैं, उसका आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी जगह में लोग दुआएं तो मांगने आते हैं लेकिन यहाँ पर जेब कतरे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो मैंने क्या किया था कि मेरा जो बैग है ना उसको आगे की तरफ करके रखा था और मैं हर वक्त चौकन्नी थी, क्योंकि मेरे मदर और फादर के लिए अभी वो भले ही मेरे पेरेंट्स हैं लेकिन गार्जियन की तरह मैं ही उनके साथ आई थी। ओवरऑल यहाँ पर आने के बाद तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये जो है ये बड़ी बड़ी डेगे हैं जिसमें कि तबर्रुख यानी कि जो बांटने के लिए, मतलब तबर्रुख सुबह बनता है तो वो इसमें बनता है, वो मैं आपको बाद में दिखलाऊंगी, इसलिए वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, कोई भी पार्ट आप मिस मत कीजिएगा। और चारों तरफ चूँकि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी आएँ तो जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग आएँ। अम्मी आ जाओ उधर बैठे किनारे, किनारे बैठी थी आप। अब मैं अपनी माँ के बगल में ही यहाँ पे शांति से बैठ जाऊँगी
और चूंकि आसपास का माहौल बहुत सुकून वाला है अभी, तो कम से कम आधे एक घंटे मुझे यहाँ पर बैठकर शांति से इन एनर्जीज़ को महसूस करना है, जो कि मैं हमेशा से महसूस करना चाहती थी। फिर उसके बाद हम गए दरगाह के अंदर, चूंकि दरगाह के अंदर मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउड नहीं था, इसीलिए मैंने बाहर ही अपने मोबाइल को बंद कर लिया। और ये चारों तरफ आप देख रहे हैं कितना लोगों का आना जाना है, और अभी ये आना जाना लोगों का बढ़ेगा धीरे धीरे। कौन कौन थी उनकी बीवियाँ? दो बीवियाँ हैं अंदर। अच्छा, मेरा मानना है ना कि जब आप ऐसी जगहों पे आया करें जहाँ पर लोग बहुत सी दुआएं मांगते हैं, तो ऐसी जगहों से आप कुछ लेके जाया करें। क्या लेके जाया करें? बहुत सारा प्यार, मोहब्बत, लोगों के लिए दिल में हमदर्दी लेके जाया करें। और छोड़ के क्या जाया करें? अपने अंदर की जितनी भी ईर्ष्या है, घृणा है, दूसरों के लिए नफरत है, वो सब छोड़ के जाया करें। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, वो चीज़ें आपके दिल से जा नहीं रही हैं, वो चीज़ें आप अपने अंदर से यहीं पर छोड़ के जाया करें। और जो यहाँ की जो हाई वाइब्रेशंस और हाई फ्रीक्वेंसी है ना, वो सारी आपकी दुख और तकलीफ़ों को इस तरीके से आपके दिल से निकालेंगे। लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप अपने दिल और दिमाग से ये चीज़ें छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपका दिल हल्का नहीं होगा। आप भले ही कितने फूल मालाएँ, आप कितनी भी अगरबत्तियाँ जला लें, कितनी भी चादरें चढ़ा लें, लेकिन जब तक आप मन से पूरी तरीके से सरेंडर नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, अपने अंदर मोहब्बत नहीं जगाएंगे, तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हमारे पीर मुर्शिद, जितने भी महान लोग इस दुनिया में आए ना, वो हम सबको मोहब्बत ही सिखा गए हैं, और मोहब्बत के अलावा हमारे साथ कुछ भी चीज़ें नहीं जाने वाली हैं। ये दो देगे हैं, एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। धीरे भीड़ बढ़ रही है। देखा खुदाए पाक ने जब नूरे मोहम्मद, देखा खुदाए पाक ने जब नूरे मोहम्मद, अरे खुद नूरे मोहम्मद पे खुदा हो गए नूरे मोहम्मद। वहाँ तो हो गई दरगाह, वहाँ हो रही है कव्वाली। ये जो जगह है बाहर नमाज पढ़ने के लिए है या बैठने के लिए है। ये वजू करने के लिए खास जगह बनाई हुई है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो अब ये देखने जा रहे हैं डेग, यहाँ से लकड़ियाँ डाली जाती हैं ताकि आग जले, और फिर उसके बाद ये ऊपर इतनी बड़ी हांडी रखी हुई है। भाई साहब
अब ये जा रहे हैं दूसरी वाली डेक को देखने के लिए। वो तो फिर भी बड़ी थी, ये उससे थोड़ी सी छोटी है। ये लकड़ियां हैं जो इसमें डाली जाती हैं, और ये सुबह बना होगा। ये देखो, ये इस तरीके से ये डेक बनी हुई थी ना। हम खुश नसीब थे कि हमें जो डेक का सुबह सुबह बना था ना सिरनी, वो मिल गई है। इस तरीके के डेक होते हैं और कोई भी खाए कि तो अभी ये बचा हुआ है अभी, और इसी में बना होगा सुबह। तो हम बस चाह ही रहे थे कि हमें डेक का जो सुबह सिरनी बना होगा वो मिल जाए, और वो हमें मिल गया। तो ये है छोटी वाली डेक जिसमें कि बना होगा ना सुबह। मिल गया ना, तुम्हारे किस्मत में रहा, तुम्हारे किस्मत में रहा, मिल गया ना। यहाँ मेरे माँ और पापा को लग रहा है कि मैं उनकी फोटो खींच रही हूँ, तो वो बहुत सावधान जैसे खड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद मैंने कैमरा अपनी माँ को दे दिया कि मेरी कुछ फ़ोटोज़ जो हैं पापा के साथ ले ले। तो मेरी माँ भी प्रो मैक्स लेवल थी, उन्होंने भी हमारी फ़ोटो ना खींच के हमारी जो है वीडियो बना दी। अब हम ये सोच रहे थे कि माँ जो है मेरी फ़ोटो ले रही है, लेकिन वो जो है ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक हमारी वीडियो बना रही थी। और ये इस बात का पता मुझे जब मैं भी बड़े मज़े से खड़ी थी, जब मैंने अपना कैमरा लिया तब मुझे पता चला कि माँ फ़ोटो नहीं खींच रही थी बल्कि वीडियो बना रही थी। बस हाँ, आओ थोड़ी से कही, बस बस। बहुत अच्छी ज़ियारत कर ली दरगाह शरीफ में, और अब हम जाएंगे दूसरी डेस्टिनेशन पर। And look at this. अभी 3 दिन बाद यहाँ पे उर्स होगा, तो उसके बाद तो यहाँ पे आलम देखने लायक होगा। अभी तो ये ना के बराबर भीड़ है, ना के बराबर भीड़ है। खाना खा लिया है हमने, खाना बहुत रीजनेबल है, 100 रुपए में एक इंसान आसानी से खा सकता है पेट भर के। और अब हम जा रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा देखने के लिए। मज़ार से जो 2.5 दिन के झोपड़े की का रास्ता है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये वाली है ना, क्या कितने? 10 रुपए बस। जब आप दरगाह से 2.5 दिन के झोपड़े की तरफ आगे बढ़ते हो ना, तो आपको काफी सारे, ये पैदल रास्ता है, पैदल रास्ता है। तो ये रास्ता जा रहा है 2.5 दिन के झोपड़े की तरफ। चल
देखिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है पापड़। ये आ गए हम 2.5 दिन के झोपड़े को देखने के लिए। अभी देखते हैं भाई, इतना बड़ा झोपड़ा होता था हमारे राजा महाराजाओं का, अंदर जाके देखते हैं। इसमें इमलियां भी लगी हुई है। हिस्ट्री यानी इतिहास को जानने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो पढ़कर जानिए या एक्सप्लोर करके जानिए। पढ़ाई हमने कर ली, लेकिन अब हम एक्सप्लोर करके अपनी हिस्ट्री को जानेंगे। तो भाई ये आ गए हम 2.5 दिन का झोपड़ा देखने के लिए, और बस ये इमारत ही है इस तरीके की, ज़्यादा कुछ नहीं है। फोटोग्राफर्स का बहुत क्रेज है यहाँ पे, हर जगह पे आपको फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि आपको फोटो के साथ साथ वो आपको पोज भी बता रहे हैं किस तरीके से करना है। आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन आर्किटेक्ट है, कितनी बेहतरीन तरीके से इसकी नक्काशी की हुई है, एक एक चीज बहुत परफेक्ट। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ना, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, ये 1192 ईस्वी में अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इस जगह को मात्र 2.5 दिन यानी 60 घंटे में तैयार करा दिया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। इसमें जो आप अलग अलग स्तंभ देख रहे हैं ना, ये जो पिलर देख रहे हैं, ये टोटल 70 स्तंभ हैं जिनके अंदर नमाज अदा होती है। यहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ पर लोग आकर नमाज पढ़ते हैं। और कितना रिच था हमारा इतिहास, कितना आप देख रहे हैं, ये जो धरोहर हैं ये हमें संजो के रखनी है। वैसे यहाँ पर मैं कुछ देर बैठी थी, और बैठने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, और चारों तरफ मैंने घूमकर अच्छी तरीके से जगह का मुआयना लिया। अब 2.5 दिन का झोपड़ा घूमने के बाद हम जाएंगे तारागढ़ की तरफ, और तारागढ़ जाने के लिए हमें नीचे से ही टैक्सी मिल जाएगी, और टैक्सी जो है वो आपको शेयरिंग भी मिल जाती है, और आप अपने लिए बुक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ही, यहाँ घूमने के बाद आज का हमारा प्लान है कि आज हम अजमेर जो है पूरा का पूरा घूमना ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि हम फिर कल जो है पुष्कर जाने का सोच रहे हैं। तो जैसे ही हमने टैक्सी बुक करी तो आगे हमें ये अना सागर दिख गया, जो कि एक लेक है अजमेर की। चारों तरफ आप पहाड़ देख रहे हैं और बीच में जो है ये लेक का पानी है। चूँकि ये मुझे नॉर्मल सा दिख रहा था तो हम ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुके नहीं थे, और पूरा का पूरा झील जो है चारों तरफ बहुत खूबसूरत लगता है शाम के वक्त, सनसेट के वक्त। तो अब यहाँ से हम लगभग 40-45 मिनट्स ट्रैवल करके जा रहे हैं तारागढ़ की तरफ। तारागढ़ एक पहाड़ी पर बसा है, और एक किले की तरह है, और जो कि मज़ारे हैं, कहा जाता है वहाँ पर 12,000 से भी अधिक जो मज़ारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पर हैं, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिल जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा घुमावदार सड़क थी। तो दरगाह शरीफ से आपको एक सवारी के 150 के ना इस तरीके की ऑटो मिल जाते हैं, ऑटो नहीं, क्या ओमनी बोलते हैं इसको, ओमनी मिल जाती है। तो हमारी वाली ओमनी वो है, और यहाँ तक आने का 1 घंटा लगा होगा ना हमें, 1 घंटा लगा ना हमें 45 मिनट दरगाह से, 45 मिनट लगा हमें आने का। तो हमें 1 घंटे का टाइम मिला है, 1 घंटे के टाइम के आने के बाद फिर हम यहाँ पे भैया के पास आएंगे। तो ये आ गए हम तारागढ़ दरगाह। हम इंसान एक फोटो क्लिक कराने के लिए एक मासूम जानवर को इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। बेचारा ये पूरा दिन खड़ा रहता होगा, पता नहीं इसे वक्त से खाना मिलता होगा या नहीं मिलता होगा। अगर आपको ऐसे कोई शौक़ है, प्लीज़ ऐसे शौक़ जानवरों पर मत किया करें। ये यहाँ की डेग है। ये
ये देगे हैं जिसमें कि खाना बनता है, खाना नहीं जो शीरनी होती ना वो बनती है। वो देगे हैं ये वाली 80 मन बड़ी वाली, ये 40 मन, और जो अभी हम ये देख रहे हैं ये 60 मन की डेग है। अभी तारागढ़ की दरगाह में है हम। तारागढ़ के किले पर आने के लिए आपको टैक्सी से भी जा सकते हैं, और साथ ही आप पैदल अगर जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटे की आपको हाइकिंग करनी पड़ती है, यानी आप पैदल चलते हैं, पहाड़ पर चलते हैं। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था और हम थके हुए भी थे और हमें वापस फिर निकलना भी होगा यहाँ से, इसलिए हमने टैक्सी कर ली जो कि हमें 45 मिनट्स में यहाँ दरगाह पर लाके उतार दिया। फिर कभी जब हम आएंगे, वक्त रहेगा, तो हम पैदल भी आने की कोशिश करेंगे। पैदल आने से थोड़ा सा हमें जो रास्ता है उसको भी देखने का मौका मिलेगा। तो अभी हम पैदल नहीं आए और हम टैक्सी लेके आए हैं। तो पूरा अजमेर हमें घूमने के लिए एक दिन काफ़ी था। सुबह सुबह पहुँचे हम दरगाह, फिर उसके बाद हम गए 2.5 दिन का झोपड़ा देखने के लिए, फिर हम आना सागर देखते हुए अब हम तारागढ़ की जो दरगाह है वहाँ पे आ गए हैं। यानी एक दिन का आपके पास वक्त सफिशियंट है। चूँकि आज हम थक गए हैं तो आज हमने डिसाइड किया कि होटल जब ले ही लिया है तो फिर उसके बाद आज हम आराम करेंगे और फिर कल निकलेंगे। अभी हम पुष्कर जाने का प्लान ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि माँ पापा थकान ऑलरेडी हो गई है और दूसरे दिन हमें दिल्ली भी निकलना था। हम सबका बचपन तो चला गया लेकिन मेरी माँ का बचपन जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे वो छोटे छोटे बर्तन देखती है ना तो तुरंत खरीदने के लिए करती है, और उन्होंने खरीदा भी, छोटे छोटे बर्तन खरीदे। और फिर हमने, चूँकि कल सुबह निकलना है तो हमारी जो भी शॉपिंग वगैरह थी हम जा रहे थे आज शाम में ही कर लें क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है। व्यवहार में चला गया। तो ये हमने ये जय नमाज ले ली है, कुछ तो हमें अपने कुछ दोस्तों को देना है, रिश्तेदारों को देना है, और एक मैंने बहुत अच्छी जय नमाज जो है वो पापा के लिए ली है क्योंकि पापा को 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी पड़ती है। और अभी जो है तो अभी पकड़ना ज़रा, एक खोलना भैया, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। अरे मैं दिखला रही हूँ कि पापा के लिए पापा। सुबह के 4:30 बजे हैं और अभी हम कह रहे हैं कि मिल के जाएंगे एक बार। दरगाह पूरी तरीके से खाली है तो बड़ा ही सुकून लग रहा है। हमने कहा जाने से पहले एक बार मिल लें,
और फिर उसके बाद जाएंगे। रात के वक्त तो नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत है, साफ सफाई चारों तरफ चल रही है और बहुत कम लोग हैं। चल मैंने बताया था ना अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे अब जब आप दरगाह में जाते हैं ना तो आपको जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं वो सारे एक्सपीरियंसेस कर रही थी तो इसीलिए मैं बहुत शांत थी और अब निकलूँगी यहाँ से। ये झाड़ू देख रहे हो कितनी कितनी ज़्यादा मोटी है। ये सुबह सुबह तबर्रुक बना हुआ है और अब ये सभी लोगों में फिर बांटा जाएगा। गरम गरम पूरी रात बना होगा ना। कैसे निकालते हो भैया? सब ये अनबिलीवेबल काम है। पूरी रात बनता होगा ना? चार घंटे बन जाता। रात के वक्त ही यहाँ पर तबर्रुक बनता है इन बड़ी बड़ी देगों में, क्योंकि भीड़ भी नहीं होती और सेफ्टी भी बहुत अच्छी होती है, तो हमें वो भी देखने का लाइव मौका मिल गया। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहती हूं कि आपके दिल में जो भी दुआएं हैं ज़रूर मांगें और मैं दुआ करूंगी कि आपकी दुआएं जो हैं कबूल हों। कोई गलती हो गई है हो आपको अपने घर पे बैठे बैठे ही तौबा कीजिए। सच्चे दिल से अगर मांगेंगे, सच्चे दिल से अगर तौबा करेंगे, सच्चे दिल से अगर माफ़ी मांगेंगे तो वो चीज़ें यहीं पर कबूल होंगी, ज़रूर कबूल होंगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी आई एम श्योर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाते जाते। अब हमारे जाने का वक्त आ गया है, हम निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। हमने अपने ऑटो बुक कर लिए और बुला लिया और हम निकल गए रेलवे स्टेशन की तरफ। अगली वीडियो में आप सभी से बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू।